बाबर आजम वेटिंग फॉर अस. बाबर आज इतना अच्छा मैच नहीं किया, आपको क्या लगता है कि रन्स कम हुए? हाँ बिल्कुल, रन्स कम हुए हैं. हमने जो मिडिल ओवर से वो यूटिलाइज नहीं किए और जिसकी वजह से हमारा टोटल वैसा नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था. क्योंकि मेरे ख्याल से बैक टू बैक विकटें भी गिरी और वो पार्टनरशिप जो हमारी थी वो लगी नहीं, जिसकी वजह से हम वैसा टोटल नहीं कर पाए. आज का पिच पिछले पिच से मुख्तलिफ था, कुछ बेहतर था या आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से सिमिलर विकेट था और बेहतर विकेट था, क्योंकि कल भी ऐसा था, आज भी तो सेम विकेट था. लेकिन मेरे ख्याल से बॉलिंग हमारी वैसे ही परफॉर्म नहीं कर पाई, छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से हम मैच लूज कर गए. स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था पिछला मैच, इस दफा साउथ अफ्रीका गेम प्लान थोड़ा मुख्तलिफ था. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें जब भी कोई टीम आती है तो वो कोई ना कोई अपना प्लान लेके आती है, तो वो उस प्लान में कामयाब हुए. लेकिन इंशाल्लाह कल मुख्तलिफ रिजल्ट होगा. ये मुश्किल होता है कि अब कल फिर मैच है कि आपके पास मौका नहीं है सोचने का, या ये बेहतर है कि कल दोबारा मैच है तो फिर परफॉर्म करने का मौका है? ये मेरे ख्याल से सेकंड वाली बात है ज़्यादा सूट करती है कि ऑफ नहीं है, बैक टू बैक मैचेज हैं, तो जो हमें हमारे लिए जो सुबह का टाइम होगा उसमें हम सोचेंगे जो भी हमारा प्लान होगा, और उसके बाद फिर मैच में आएंगे और परफॉर्म करेंगे और अच्छी गेम नज़र आएगी आपको. चलें, थैंक यू वेरी मच, और कल होपफुली आप बेटर परफॉर्म करें. तो दैट वाज बाबर आजम एंड ही सेड दैट मे बी देयर वाज नॉट इनफ रन्स दैट दे गॉट द मिडिल ओवर्स साउथ अफ्रीका गॉट टू देम.